तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय एंड द व्लॉग। आज है दिन संडे और तारीख है 19 नवंबर। आज जो है मैं स्कूल से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि संडे स्कूल की मैं जा रहा हूँ आज देहरादून। वहाँ पर मुझे कुछ काम है, वो काम पूरा करना है। वहाँ पर देखेंगे कैसा व्यू आता है देहरादून में जाकर, यहाँ के वेदर और वहाँ के वेदर में क्या चीज मिल जाते हैं, चलते हैं देहरादून और देखते हैं। तो गाइस, मेरे व्यू सुना था, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ गाइस, देखिए मेरे पिताजी, मेरे फादर, पापा भी आ रहे हैं मेरे साथ ही देहरादून। अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे रुकी बस स्टैंड, वहाँ से बस में बैठेंगे और डायरेक्ट जाएंगे। भांज की जोड़ू रे ओ ठंडी हवा डाली खुले की ये ओ ठंडू पानी भांज की जोड़ू रे थक बिस रैया खुले कछेला बांज छोयो पानी पी जैया रौनक देखी जाया मेरा मुल्क पहाड़े समलोन ली जैया ओ ठंडी हवा डाली खुले की ये ओ ठंडू पानी भांज की जोड़ू रे ओ ठंडी हवा डाली खुले की ये ओ ठंडू पानी भांज की जोड़ू रे। तो गाइस, अभी हम देहरादून आ चुके हैं मेरे पापा। अब जा रहे हैं हम अपनी फाइनल लोकेशन पर, वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं, चलते हैं। मैं जिस काम से आया हूँ, जिस काम से आया हूँ काम पर चले, वहाँ पर चले गए। ये देखिए यहाँ पर ग्राउंड है, चलते हैं फाइनल लोकेशन पर। वहाँ पर काम क्या है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, आगे बताऊँगा जब काम पूरा हो जाएगा। चलते हैं। अगर नहीं प्लीज, हाथों को छोड़ के कहता हूँ प्लीज।
गाइस, कल मैं गया था देहरादून, वहाँ पर मुझको कुछ काम था, वो काम मैंने कर लिया। काम क्या था वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। और जो अपने UK07 राइडर है बाबू भैया अनुराग डोभाल, कुछ भी कह लो, वो भी देहरादून के रहने वाले हैं। जब मैं देहरादून से आ रहा था तो मैंने देखा कि देहरादून रोड पर उनके बैनर लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं बड़े बड़े, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया गाइस, क्योंकि आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाया। और आप बिग बॉस में किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट में जरूर बताना। और जो एलविस यादव है, एलविस भाई, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं पता आपको, तो वीडियो में देखो। मेन क्वेश्चन है कि क्या भाई आप लोग UK07 राइडर को सपोर्ट कर रहे हो? ऑब्वियसली भाई, हमारा भाई है, हमारा भाई जब हमारे लिए खड़ा तो हमारा टाइम हम भी खड़े। एक भाई ने हमें सपोर्ट करा था, हम भी भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे भाई यूके भाई के सपोर्ट में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भाई बुरा टाइम आता है उसमें अच्छी अच्छी चीजें दिख जाती हैं। अब मान लो एक तरीके से उसका बुरा टाइम ही चल रहा है, काइंड ऑफ जो भी हेट फैल रही, जो भी फैल रही, भाई हम भाई के साथ खड़े ही, भाई हम सारे भाई खड़े हैं, और जो कुछ हमसे बन पाएगा हम बिल्कुल करेंगे, भाई को जिता खिलाएंगे। हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई, जितना हो पाएगा हमसे, जितना भी हो पाएगा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भाई भी हमारे साथ खड़ा था। इस रीजन से नहीं, हमारा पहले से भाईचारा, भाई ये नहीं कि बिग बॉस में एकदम से उठ के आ गया यूके राइटर और रहू अपना एहसान चुका रहे, ऐसा नहीं है भाई, भाई है। पहले की वीडियो देख लो भाई, ड्रैग रेस से भी होनी है अभी, तो ड्रैग रेस भी करी हमने, जयपुर भी साथ में गए हैं भाई, बहुत हमारी मेमोरीज हैं। पहले की वीडियो देख लो भाई, जब लेजेंडर लाए थे तब मिले थे भाई, तब कंट्रोवर्सी थी, तब के खड़े हैं, अब के थोड़ी ना, पहले के भाई यूके भाई के साथ तो और खड़े ही रहेंगे अब तो। हाँ भाई, हम तो इधर ही हैं, ये हमारा आंसर कि हाँ हम लोग सपोर्ट में भाई। प्लीज हेट मत फैलाओ, चाहे कि मेरे प्रति, उसके प्रति, किसी भी कंटेस्टेंट के प्रति। तो देखा गाइस आपने, जो एलविस यादव है वो भी UK07 राइडर को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको भी UK07 राइडर को ही सपोर्ट करना है, ठीक है, उनको ही वोट करना है, उनको ही जिताना है।